वेलकम बैक टू हॉलीवुड हिंदी। आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है कलर आउट ऑफ स्पेस। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी जिसका नाम लेवेनिया गार्डनर था वह रिचुअल कर रही होती है। अचानक से एक आदमी वार्ड फिलिस नाम का उसके पास आता है। वह एक हाइड्रोलॉजिस्ट था और उसी जगह में सर्वे कर रहा था। आदमी की वजह से उसका रिचुअल डिस्टर्ब हो जाता है और वह घर चल जाती है। घर में उसके पेरेंट्स उसका स्वागत करते हैं। उसके पेरेंट्स का नाम नेथन और थरेसा रहता है। उसके दो छोटे भाई हैं बैनी और जैक। डिनर करने के बाद लेवेनिया और जैक सोने की कोशिश करते हैं। बैनी अपने डॉग के साथ कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है और उनके पेरेंट्स सोने की तैयारी करते हैं। जैक डर लगने की वजह से अपने रूम से बाहर आता है और हमें दिखाई देता है कि एक पर्पल लाइट उनके घर के बाहर चमक रही है। जैक उसके पेरेंट्स को आवाज़ लगाता है लेकिन वह उसे नहीं सुन पाते। वह पर्पल लाइट जैक को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैक की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें स्मेल की आती है और वह उस स्मेल का पीछा करने लगते हैं और उन्हें एक पर्पल कलर का ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि उनके गार्डन में था। जैक अभी भी शॉक की हालत में दिखाई दे रहा था। अगले दिन वह मेयर टोमा को ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए बुलाते हैं। अनएक्सपेक्टेडली वार्ड भी वहां आ जाता है और छानबीन करने लगता है। उसके हिसाब से यह एक मीटियोराइड है जो कि बिल्कुल डेंजरस नहीं है। वार्ड अपनी रिसर्च के लिए फैमिली से मदद मांगता है और बैनी उसे एजरा नाम के आदमी के पास ले जाता है। वार्ड को पानी में कुछ अजीब लगता है तो वह एजरा से पानी पर रिसर्च करने के लिए उसकी परमिशन ले लेता है। रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और जो बिजली कड़कती है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल होता है। फिर लाइटनिंग मीटियोराइड के पास गिरती है और लेवेनिया मीटियोराइड के पास ही बारिश का मजा ले रही होती है और उसके फादर लेवेनिया को घर के अंदर आने के लिए कहते हैं। वार्ड को वाटर की रिसर्च के दौरान इस प्लेस की स्ट्रेंजनेस का पता चलता है और उसे एक कॉल आता है जिसमें वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं थी। उसे झाड़ियों के पीछे पर्पल लाइट दिखाई देती है और उसकी कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन नेथन और उसकी वाइफ देखते हैं कि उनके गार्डन में कोई मीटियोराइड नहीं था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि मीटियोराइड ने ग्राउंड मर्ज होकर वाटर को बिल्कुल पॉल्यूट कर दिया है। मीटियोराइड का पता तब चलता है जब नेथन की वाइफ गाजर काटते हुए अपनी दो उंगलियां भी एब्सेंट माइंड के साथ काट देती है, जिसकी वजह से नेथन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और घर में तीनों बच्चों को अकेला छोड़ देता है और बैनी को इंचार्ज बनाता है। अगली सुबह बैनी उसके फादर्स के एनिमल को वॉक कराता है और लेवेनिया कप ऑफ कॉफी एंजॉय कर रही होती है और वह अपने भाई जैक के पास आकर बैठ जाती है। वह कंफ्यूज रहती है कि जैक किससे बात कर रहा है। जैक उसे बताता है कि वह वेल के पास किसी से बात कर रहा है, पर लेवेनिया को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। जब वह घर के अंदर चली जाती है तब जैक वेल के पास जाता है जहाँ से एक पर्पल कलर का ग्रास हॉपर निकलता है। नेथन और उसकी वाइफ हॉस्पिटल से घर आ रहे होते हैं। घर आते वक्त वह एक एनिमल को ऑलमोस्ट हिट करने वाले होते हैं। वह घर पहुंच जाते हैं जहां जैक अकेला उनका वेट कर रहा था। फिर नेथन लेवेनिया और बैनी को डांटते हैं कि उन्होंने अपने भाई जैक की ढंग से देखभाल नहीं की। लेवेनिया नेथन को बताती है कि यह जगह धीरे धीरे स्ट्रेंज होती जा रही है। फिर नेथन देखता है कि उसके उगाए हुए फ्रूट्स सड़ चुके थे और सारे फ्रूट्स और पत्तियां पर्पल कलर में ढक चुके थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेथन और उसके वाइफ किसी वजह से एक दूसरे से लड़ रहे थे। नेथन के हाथ पे बहुत सारे रिंकल्स आने लगते हैं, शायद यह पॉल्यूटेड वाटर का इफेक्ट था। उनकी टेलीविजन में भी धीरे धीरे सिग्नल आना बंद हो जाता है। उसी रात लेवेनिया एक रिचुअल परफॉर्म करती है और अपने ब्लड के बदले अपनी फैमिली की हेल्थ मांगती है। बैनी और जैक अपने पालतू एनिमल्स को देखने जाते हैं जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके एनिमल्स में म्यूटेशन हो गया है और उनमें से एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है जिसे देखकर वह दोनों भाग जाते हैं। जैक की माँ उसके पास आकर उसको हक करती है लेकिन तभी पर्पल कलर की लाइट उन्हें स्ट्राइक कर देती है। नेथन बैनी और लेवेनिया शॉक्ड हो जाते हैं जब वह अपने फ्यूज्ड मदर और जैक को देखते हैं। नेथन उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहता है लेकिन उसके कार के साथ साथ कई इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट स्टार्ट नहीं होते। जल्द ही वार्ड लेवेनिया के घर जाना चाहता है क्योंकि उन्हें एक अजीब सा बर्न एनिमल दिखा था। अगले सीन में लेवेनिया और बैनी उस प्लेस को छोड़ने की तैयारी करते हैं। वो दोनों घोड़े पर बैठकर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका घोड़ा उनकी बात नहीं सुनता और दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है। तभी बैनी को कुएं से उसके डॉग की आवाज़ आती है और वह कुएं में जाने लगता है। तभी पर्पल लाइट इग्नाइट हो जाती है और वह बैनी को भी अपने साथ खींच लेती है। यह देखकर लेवेनिया बहुत दुखी हो जाती है। नेथन लेवेनिया को पकड़कर एक रूम में बंद कर देता है।
थोड़ी देर बाद वार्ड और उसका फ्रेंड लेविनिया के घर पर आते हैं। वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं जब वो नैथन के फेसेस पर चेंजेस देखते हैं। तभी उन्हें लेविनिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग भाग कर उसी तरफ जाने लगते हैं। जब वह रूम में पहुंचते हैं तो वह यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि एरिसा एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी है और नैथन अपनी ही पत्नी को जान से मार देता है। नैथन पर्पल कलर को भी शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वार्ड का फ्रेंड एक्सीडेंटली नैथन को शूट कर देता है। वार्ड और उसका फ्रेंड एज्रा की कंडीशन उसके घर में चेक करने जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एज्रा एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी एक म्यूटेटेड पेड़ की ब्रांच उसे पकड़ लेती है। यह देखकर वार्ड बहुत तेज भागने लगता है। कुएं के पास में वह लेविनिया को देखता है जो कि मॉन्स्टर बन चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी से स्ट्रेंज लाइट निकल रही थी और एक लाइट का तूफान उसकी पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। वार्ड डरकर घर की ओर भागता है लेकिन वहां वो देखता है कि नैथन अभी भी जिंदा है। गोली लगने के बावजूद वो किसी तरह से वापस जिंदा हो चुका था। वार्ड बेसमेंट में आके छुप जाता है और वह पर्पल कलर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वह एक अकेला सर्वाइवर बचता है। वह बाहर निकलता है और देखता है कि चारों तरफ राख ही राख है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि ट्रॉमेटाइज्ड वार्ड एक डैम के ऊपर खड़ा है और वह डैम उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया है जहां वह एक्सीडेंट हुआ था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।